Wakey, wakey, get up out of bed. Get up right now and go to the gym. What are you doing? So you want to be normal. So you just want to be like everybody else that roams the world, being fine with being mediocre. You want to be a bitch today. Do you want to feel like a little bitch? Do you want to walk around all day knowing that you could, but you didn't? Come on, you bitch! Honey, sing. Honey, sing. Big Butcha. As Elon Musk said, there's no need even to have a college degree at all, or even high school, really. But और ये बात सही भी है. अब इतने पैसे देकर हम सिर्फ लेक्चर अटेंड करने तो आए नहीं है, जबकि वही सब चीजें हमें ऑनलाइन एकदम फ्री में मिल जाती है. अब मैं ये नहीं कह रहा कि लेक्चर एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है. अब लेक्चर के बिना एक खुद की इंपॉर्टेंस है. ये हमें एक शेड्यूल फॉलो करने पर मजबूर करता है, विच डेफिनेटली ब्रिंग्स डिसिप्लिन, और हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाती है. इवन हम इतने एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर से पर्सनली सीखते हैं. उन्होंने अपने लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया है, वो कैसे किया है, उन सब के बारे में जानते हैं. वो दो घंटे में से वो आधा घंटा कुछ कराएगा और फिर बोलेगा बट आई थिंक जो MBA की स्पेशलिटी है ना, वो इसका एनवायरनमेंट है. जो एनवायरनमेंट वो प्रोवाइड करती है, जब इतने सारे लोग इतने अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, when so many culture come together under a single roof, तब जो conversation होती है ना, I think that makes the MBA worth it. पता है मैं कभी hostel में नहीं रहा. बचपन से ही normal schedule follow किया है, 10 बजे सो जाना, सुबह 6 बजे उठ जाना. पर यहाँ पर तो time का कुछ पता ही नहीं चलता. कब रात के 2 बज जाते हैं, कभी 3 बज जाते हैं, कभी कभी तो सोते ही नहीं है. घर वालों को लगता है कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, पर रियलिटी तो हमें ही पता है. दोस्तों के साथ लेट नाइट पस्तियाँ, लेट नाइट पार्टीज, डीप कॉन्वर्सेशंस. पर ये तो बात है, ये जो गहरी गहरी बातें होती हैं गहरी गहरी रातों में, इसी से तो गहरे रिश्ते बनते हैं. एंड आई थिंक ये पढ़ाई से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में अगर हम किसी भी चीज़ में आगे फंस जाएँ, या फिर हमें किसी भी चीज़ में ज़रूरत पड़े, चाहे वो जॉब के रिलेटेड हो या फिर हमारे पर्सनल लाइफ के रिलेटेड हो, सो दीज विल बी द पीपल ऑन होम वी कैन लीन ऑन. साथ तो गुजरे ना रात, दीवाने के रोजाना के बहाने हो गए तेरे जिस्म के हर इंच पे, मेरी हर नजर फिदा है. आज है हम मैरिस्को में, जो है महाबलीपुरम के बीचों बीच, जहाँ से आपको दिखेगा बीच, और यहाँ पे है ब्यूटीफुल एस्थेटिक्स. ना कि इसके एस्थेटिक्स ही बहुत अच्छे हैं, पर इनका खाना भी बहुत फेमस है. इनकी जो फिश है, इट इज वेरी स्पेशल. क्यों तुम खूब सूरत हो के सबको हैरत हो, दुनिया में सचमुच ही रहती है परियों से भी ज्यादा प्यारी सी लड़की. को आप क्या पियेंगे? पीना है आपको कुछ? नहीं पीना. आपको पीना है? सब खाने आए हो? नमस्ते दर्शकों,
आज हम हैं, ये पूरा वीडियो दे देंगे। हम कहीं तो हैं। तुम्हें क्या चाहिए? अरे मुझे कुछ भी चाहिए, कुछ भी जो मिल जाए वो ले लेंगे हम। पत्ता गोभी गई का भिंडी बनने चला। पत्ता गोभी तो है ही। कंटेंट तो वहाँ है। अबे कंटेंट छोड़ो, तुम बताओ कौन सा चाहिए तुमको। तुम उस पे ध्यान दो। ये कौन एक स्प्राइट लगा दीजिए। तब तक एक स्प्राइट हो जाता। हैशटैग बार्गेनिंग सक्सेसफुल। तवा पनीर भी बढ़िया स्पाइसी कर देना। ग्रीन चटनी मेयोनीज। पता एक चीज़ है जो हम में से बहुत जन शायद रियलाइज ना करते हो अभी, पर हम में से बहुत जनों का ये आखिरी कॉलेज लाइफ होगा। ऑलमोस्ट 90% अगर मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ तो, कुछ ज़्यादातर कॉरपोरेट ज्वाइन कर लेंगे, कुछ शायद PhD के लिए जाएं, कुछ अपना स्टार्टअप करेंगे, और बहुतों को तो रियलाइज भी नहीं होगा कि हम आखिरी बार मिल रहे हों। बट यू नो वॉट, यही तो लाइफ है। बड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हमने वो दिन। रात 11 बजे सुबह 8 बजे दिन के 12:15 बजे दोपहर 3:15 बजे मैजिक ट्रिक देख रहा नहीं है अभी अभी भाई, ये मेरा वाला ट्रिक तो नहीं कर रहा है ये चार ऑफ डायमंड्स जो अब तो हमने देखा ही नहीं भूल गया मैं। ये है 9 of spades रात 8:15 बजे कभी चुप रहे कभी गाया ये करे दिन पूछे तेरी तारीफ पे सुनाया ये करे रात 11:15 बजे पता है मुझे सबसे तो डर किससे लगता है? रिग्रेट।
आई थिंक फ्यूचर में मुझे या फिर किसी को भी ये रियलाइज ना करना पड़े कि शायद ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था, काश थोड़ा एफर्ट और डाल लेता, थोड़ी मेहनत और कर लेता, थोड़ी हिम्मत और कर लेनी चाहिए थी। इसलिए ना बस कोशिश करता हूँ कि हर लम्हे को खुल के जीऊँ, जिससे बात करने का मन करे कर लूँ, अगर कुछ नया ट्राई करने का मन करे कर लूँ, लेकिन अगर फिर भी कुछ मिस हो गया तो शरम बे को बेदा शे को शैतान राम के जी है हम बे शरम।